अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स और मेरा स्टाफ, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस मौके पे कि आजकल आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं और हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट में या इंटरनेट या ऑनलाइन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि काम रहें और ये इस तरह की जो आजमाइशें हैं वो आती रहती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसमें से किस तरह से एक स्ट्रॉन्गर एक ह्यूमन बीइंग हो या इंडिविजुअल बन के निकलते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में आप गिव अप भी कर सकते हैं, आप इसमें से स्ट्रॉन्ग होकर निकल भी सकते हैं, ये आपकी रेजिलियंस है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम बहुत रेजिलियंट है, माशाल्लाह यू हैव सच अ पोटेंशियल टू बाउंस अप आफ्टर ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। और मुझे पता है कि बीइंग यंग पर्सन जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं या तालबात हैं, उनको अगर ये परेशानी हो कि जी उनके हॉस्टल बंद हो गए हैं या उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेथड जो पढ़ने का है वो सोच रहे हैं, जिसमें हम आपको ऑनलाइन, खुदा न हास्ता अगर ये सिचुएशन लंबी चलती है तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव लेके आएंगे और आपसे ये तवक्कु करेंगे कि आप उसके साथ टीचर्स के साथ भी रबते में रहेंगी और आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगी और उसी तरह पढ़ाई हमारी या इसी तरह हमारी एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी, एकेडमिक एक्टिविटीज़ जिस तरह की हमारी क्लासरूम्स में होती हैं। थोड़ा सा हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, लेकिन ज़ाहिर है इसमें से एक सीखने का अमल भी है जो कि हम सीखेंगे। नंबर टू, मैं आपसे स्पेशली अपनी असातिज़ा से भी और तालबात से भी ये ज़रूर ख्वाहिश करूँगी कि कम्युनिटी वर्क को जहन में रखते वक्त, इस वक्त बहुत सी जो इंटरनेट के ऊपर और मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली फ्लोट कर रही है जो कि अनऑथेंटिक है और जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट और पैनिक क्रिएट हो रहा है। मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटियों का ये रोल है कि वो आपको एक इस तरह से एजुकेट करें जो कि साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन दें आपको और एम्पिरिकल एविडेंस के साथ जो टेस्ट हुई थेरेपीज या टेक्निक्स हैं उनको आपके सामने लाएं। तो मेरी टीम आपके सामने गाहे बगाहे इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाती रहेगी और मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन आप अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि अपने घर वालों, आपके मोहल्ले में या आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके ऊपर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अपनी हिफाजत कर सकें, अपने प्यारों की हिफाजत कर सकें, बजाय इसके कि खौफ व हरास फैला हो लेकिन हम एहतियात ना करें। तो ये बहुत अहम बात है जिसके हमें लोगों को साइको एजुकेट करने की ज़रूरत है और उस एजुकेशन के अंदर खौफ का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम वी हैव डिफरेंट फेथ एंड वी बिलीव के अल्लाह ताला ने हमारे लिए अगर कोई मुश्किल लाता है तो उसके बाद आसानी भी आती है और हमें इस एतकाद के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। शायद ये ऐसा मौका है जिसमें हमें ये ख्याल रखना है कि किस तरह से हम एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरह हम उन्हें प्रॉपरली एजुकेट कर सकते हैं। तो मैं तीसरी बात यह है कि आप इंशाल्लाह आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी हम देख लेंगे जब आप आएंगे, आपको यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस और जितना भी आप कर सकें इस मौके पे कम्युनिटी को अच्छी तरह से एजुकेट। देखें सफाई बहुत ज़रूरी है इस मौके के ऊपर, एंड मेरा ख्याल है हर बंदे को ये आप सोच लेना चाहिए किस तरह से अपने आप को साफ़ रखना है, किस तरह से अपने माहौल को साफ़ रखना है और किस तरह से हमने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। शायद अल्लाह ताला हमें मुश्किल तरीके से सिखा रहे हैं कि सफाई निसफ अमान है और ये मेरा ख्याल है हमारे इस्लाम का हिस्सा है और हमें इसको फॉलो भी करने की ज़रूरत है। आई विश यू ऑल द बेस्ट और अगर आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो दफ्तर भले बंद हों, टीचर्स शायद आपके ना आ रहे हों, लेकिन हम आपसे एक ईमेल अवे हैं, आपसे एक व्हाट्सएप अवे हैं, यू जस्ट हैव टू टॉक टू अस एंड टेल अस एनी इशू एनी प्रॉब्लम यू हैव। और मैं खुसूसन हॉस्टल के बच्चियों से ये कहना चाहूँगी कि अगर हमने आपको ये कहा है कि आके अपने सामान ले जाएं तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, जो ही यूनिवर्सिटी खुलेगी आप हॉस्टल में वापस आ सकती हैं। और वो इसलिए हम थोड़ा सा कर रहे हैं थोड़ा सामान ले जाने के लिए कि हो सकता है इन जगहों की गवर्नमेंट को ज़रूरत हो तो हम उनको ये अवेलेबल कर सकें। तो इसमें कतन ऐसा नहीं है कि खुदा न हास्ता ये कहीं क्यों र्यूमर्स शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं 6 महीने के लिए बंद हो गया, पता नहीं कितनी देर के लिए बंद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरह की अफवाहें किसी भी तरह की बेयकीनी जहन में मत लाइए और अपने ध्यान से अपने पढ़ाई के ऊपर और कम्युनिटी वर्क के ऊपर तवज्जो दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।